अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एमएम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी, यू कैन जॉइन इन। वहाँ पर टाइमली मैनर में न्यूज़ शेयर की जाती है, सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन इन द मार्केट। जंपिंग इनटू द वीकली ऑन केएससी 100, वीकली में मैंने आपको बताया था कि वी आर गेटिंग अ बाउंस फ्रॉम द 200 सिंपल मूविंग एवरेज, और उसमें पहले जो स्टार्ट होते ही वीक में वी वेंट डाउन टू टच द 200 सिंपल मूविंग एवरेज। अभी हम वापस बाउंस करके जा रहे हैं, लेट्स सी बाउंस जो है हमें 0.236 के ऊपर तक लेकर जाता है या नहीं, क्योंकि जब तक हमारे पास 0.236 के ऊपर वापस नहीं आते तब तक कोई एज सच मेजर किस्म की चेंजेस मार्केट में नहीं आएंगी। और उसके लिए दो वजूहात हैं, एक ये कि हमारे पास जो डिसेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेक डाउन हुआ है उस वो भी यही ब्रेक पॉइंट है, विच मीन्स कि अगर हमारे पास उसके ऊपर वापस क्लोज होता है तो ये एक फेकआउट बन जाएगा या बेयर ट्रैप बन जाएगा, विच यू कैन से। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास जो RSI MACD है उसके ऊपर डाइवर्जेंस जो है वो कन्फर्म हो जाएगी बिटवीन दिस पॉइंट, ठीक है, और इस पॉइंट के दरमियान में जो हम करंटली इस वक्त स्टैंड पे हैं। दोनों पॉइंट्स में, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों पॉइंट्स से इस वक्त करंटली जो पीक है MACD के हिस्टोग्राम की वो ऊपर है, और उसके साथ अगर हमारे पास डाइवर्जेंस क्रिएट होती है तो दैट इज़ गोइंग टू बी मल्टीपल थ्री स्टेप मल्टीपल हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। लेकिन उसके कन्फर्म होने का मतलब यह है कि 0.236 के ऊपर वीकली क्लोज मिले ताकि लोकल लो फॉर्मेशन बन सके। तो लोकल लो फॉर्मेशन अगर बनती है तो बेयर ट्रैप भी बनेगा उसके साथ ही और डाइवर्जेंस भी उसके साथ ही बनेगी। खैर, ये पॉजिटिव साइड है। दी अदर साइड इज़ कि इफ वी ब्रेक 200 सिंपल मूविंग एवरेज वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ गोइंग डाउन एनी वेयर फ्रॉम 24% टू 54% ऑफ अ मूव टू द डाउन साइड। प्रीवियस जो दो वीडियोज़ हैं यू कैन गो एंड वॉच दे, वहाँ पर मैंने हिस्टोरिकल डाटा पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन किया है कि इफ़ 200 सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक्स वॉट इज़ गोइंग टू हैपन विद द मार्केट। तो डेली टाइम फ्रेम में जो है हमारे पास फर्स्ट टेलटेल साइंस, या आप उससे कह लें कि उससे ज़्यादा इमीडिएट टाइम फ्रेम है, 200 जो हमारे पास यहाँ पर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसमें स्नैपबैक मूव्स के साथ हम डाउन ट्रेंड के अंदर है। यू कैन सी इट ओवर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डाउन ट्रेंड है उसमें हमारे पास स्नैपबैक टू 21 स्नैपबैक टू 21 मूव्स आते रहेंगे और मार्केट इसी तरह जो है वो डाउन साइड पर जाती रहेगी अनटिल एंड अनलेस वी गो अ लिटल साइडवेज फॉर सम टाइम, और इसको हम एक फ्लैटनिंग पोस्चर में मूविंग एवरेज आ जाए 21 एक्सपोनेंशियल, और उसके बाद हम उसके ऊपर क्लोज करें, सस्टेन करें विद 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज सपोर्ट एक्ट करें उसके बाद। तो उस सूरत में वी कैन फर्दर कंटिन्यू टुवर्ड्स द अपसाइड एंड देन वी कैन फर्दर टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ शॉर्टर टर्म पॉजिटिव मोमेंटम और रिवर्सल्स इन फ्यूचर। तो फिलहाल एज सच इसमें मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि अगर लोकल लो फॉर्मेशन फॉर्म होती है यहाँ पे, विच मीन्स कि हमारे पास जो क्लोज है वो समवे अराउंड 42,000 पॉइंट्स पे मिले या उससे थोड़ा सा ऊपर, या आप इन अदर वर्ड्स कह लीजिए क्योंकि अब आज का भी क्लोज हो चुका हुआ है तो कल ये 21 एक्सपोनेंशियल थोड़ी और नीचे आ जाएगी, और उसके ऊपर अगर हमें क्लोज मिलेगा कल तो येस वी कैन से कि हमारे पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है RSI पे वो कन्फर्म हो जाएगी ऑन द डेली टाइम फ्रेम। इट इज़ फॉर नाउ ओनली पोटेंशियल डाइवर्जेंस, कन्फर्मेशन जो है वो 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर होगी क्योंकि कल थोड़ी सी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे आ जाएगी 21, और साथ में प्राइस एक्शन अगर ऊपर आता है और उसके ऊपर क्लोज करता है तो हम यहाँ पे एक लोकल लो फॉर्म कर लेंगे, विच मीन्स कि वी हैव रिट्रेस्ड दिस लास्ट होल कैंडल बाय कमिंग और क्लोजिंग अबव 42,000 पॉइंट्स एंड ऑल्सो 21 एक्सपोनेंशियल, क्योंकि अगर 42,000 पॉइंट्स के पास भी क्लोज होता है और 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे रहते हैं तो उस सूरत में भी ये खतरा रहेगा कि वी कैन गेट रिजेक्टेड वंस अगेन। सो उसके लिए फर्स्ट साइंस अगेन अब उससे शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में मिलेंगे। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में मैंने आपको कल बताया था कि जो आपके पास लास्ट मूव है इफ़ यू रिट्रेस इट विद द फिबोनाची टूल, तो उसके अंदर आपके पास जो लास्ट मूव है उसमें से हमारे पास 0.236 अगर होल्ड कर जाता है यहाँ पर राइट ओवर हेयर एट 40,996 पॉइंट्स, देन वी कैन फर्दर सी मूव अप टूवर्ड्स द 50 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 55, जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि 0.618 उसके साथ अलाइंड है। और उसके साथ आपको ये भी बताया था कि अगर 0.618 के ऊपर क्लोज करते हैं सस्टेन क्लोजेस तो उसकी सूरत में हम इस मूव के ऊपर दोबारा से बुलिश हो सकते हैं, विच मीन्स कि हमारे पास दोबारा अगर 0.61 के ऊपर आते हैं तो वी एटलीस्ट कैन सी अ मूव बैक अप टू द 42,780 पॉइंट्स, अब यहाँ 42,078 पॉइंट्स। तो ये अगर हमारे पास मूव मिल जाता है बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो तो उसमें हमारे पास कैपेसिटी आ जाएगी डेली के ऊपर डाइवर्जेंस कन्फर्म होने की अलॉन्ग विद द क्लोज अबव 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऑफकोर्स उसके बाद 21 एक्सपोनेंशियल जो है वो डेली पे अगर होल्ड कर रही है एज ए सपोर्ट तो फिर वी कैन सी फर्दर कंटिन्यूएशन, लेकिन जो पहला मार्क है दैट इज़ गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 42,778 पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास
21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसका एज ए सपोर्ट एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एज ए सपोर्ट एक्ट नहीं करती और मार्केट दोबारा इसके नीचे आके क्लोज होती है तो वी आर अगेन गोइंग टू विजिट वंस अगेन 0.236 एंड देन अगेन 40,661 और उसके बाद फिर से वीकली जो है वो उसी 40,600 पॉइंट्स के ऊपर दोबारा इन क्वेश्चन आ जाएगी कि आइदर वी आर गोइंग टू ब्रेक इट और आर वी आर गोइंग टू अगेन गेट अ बाउंस फ्रॉम इट। तो उस सूरत में आपके पास जो सबसे पहला मैंने जिस तरह बताया कि आपको एक्सप्लेन किया कि जो आवर्ली टाइम फ्रेम है दैट इज गोइंग टू गिव यू द फर्स्ट टेलटेल साइंस दैट व्हाट इज अबाउट टू हैपन। यहाँ पे अगर आपके पास 0.618 के ऊपर क्लोज मिलता है विच इज़ वेरी क्लोज राइट नाउ 41,533 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज आने का मतलब ये है कि हमारे पास फर्दर एक मूव आ सकता है अप टू 40,074 या 78 पॉइंट्स और उसके साथ आपका जो डेली है दैट इज़ अलाइंड विद इट क्योंकि वहाँ पर डेली में जो आपका टाइम फ्रेम के ऊपर जो एक पॉसिबिलिटी है ऑफ अ डाइवर्जेंस वो मौजूद होगी उसमें आपके पास अगर ये देखिए यहाँ पे क्लोज है 42,000 ये वही आवर्ली वाली फिबोनाची टूल लगा हुआ है तो उसमें अगर आपके पास यहाँ पे क्लोज मिलता है और 21 एक्सपोनेंशियल कल थोड़ी सी नीचे आती है और आपकी मार्केट ऊपर क्लोज कर जाती है देन दैट इज़ गोइंग टू हेल्प विद द डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कन्फर्म होगी तो मैकडी ऑलरेडी इज़ अबाउट टू क्रॉस टू द अपसाइड तो एक पॉजिटिव क्रॉस यहाँ पे भी मिल जाएगा विच इज़ गोइंग टू गेट अस सम मोमेंटम टू दी अपसाइड और उसमें फिर ग्रीन 55 सिंपल एक्सपोनेंशियल और उसके बाद 50 सिंपल मूविंग एवरेज दो आर गोइंग टू गेट इन टू एक्शन जिसमें ऑफकोर्स जब तक वहाँ तक पहुँचेंगे तो वो भी नीचे आ चुकी होंगी और हमारा मेन लेवल फिर से वही आ जाएगा जो कि वीकली टाइम फ्रेम में 42,899 विच इज़ राइट ओवर हेयर जो 0.236 दी अल्टीमेट लेवल जिसके ऊपर हमें वीकली क्लोज चाहिए इन ऑर्डर टू मेक दिस अ बेयर ट्रैप और अ फॉल्स ब्रेक और वापस ऊपर अगर आते हैं तो फिर हमारे पास वीकली में भी 3 स्टैब हिस्टोग्राम मैकडी के ऊपर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कन्फर्म हो सकेगी। सो दिस इज़ हाउ द पिक्चर इज़ गोइंग टू फॉर्म लेकिन वही मैंने आपको इस तरह बताया कि आवरली टाइम इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग 21 एक्सपोनेंशियल शुड होल्ड अगर यहाँ पे ये होल्ड नहीं करती तो देन वी आर गोइंग टू अगेन विजिट डाउन साइड जिसमें पहला 0.236 सेकेंड 40,658 और फिर वीकली में जो हमारा 200 सिंपल मूविंग एवरेज है वो क्वेश्चन में आ जाएगी। एक भाई ने क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम क्रैशिंग पोजीशन में खड़ी हैं तो उसके ऊपर कुछ एक्सप्लेन करें तो उसमें ये कि मैंने जिस तरह मैं वीडियो के हक से शुरू में कहता हूँ वो मेरा तकिया कलाम नहीं है कि आप जो है वो वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें यू कैन कम एंड सी फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ ताकि आप मार्केट्स में जो है वो अपडेटेड रहें अपने डिसीजंस के साथ। तो उसमें जो मैं लिंक भी डाल दूंगा मैंने 3 माह कबल जो है आर्टिकल हमारी वेबसाइट पे शाया हुआ था विद द नेम ऑफ पॉलिसी एरर यू कैन सी दिस वाज पब्लिश्ड 3 मंथ्स अगो बाय मी और उसमें मैंने तमाम मार्केट्स की जो हालात थे जिसमें फेडरल रिज़र्व के जो फंड रेट्स थे और उनकी जो CPI के साथ कंपेरिजन थे इवन अप टिल द पॉइंट कि मैंने इसमें जो है S&P और इसके अलावा जो कंपैरिजन है तमाम रेट हाइक्स के प्रीवियस डाटा पॉइंट्स के साथ हिस्टोरिकल उसके अलावा टेबल चार्ट्स और 30-year यील्ड बॉन्ड्स उसके अलावा US ट्रेजरी यील्ड जो था उसमें उसको भी कवर किया हुआ है 5 years भी 10 years भी उसके अलावा उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि हाउ दिस इज़ गोइंग टू फॉर्म आउट और ये किस तरह की सिचुएशन जो है वो फॉर्म हो सकती है एंड यू कैन सी कि मैंने उसमें जो है एक स्टेटमेंट भी उसमें लिखी है कि द बिगर द लिक्विडिटी फायर होज ही विल हैव टू अनलीश ये चेयरमैन पावल की बात हो रही है कि ही विल हैव टू अनलीश इन अ फ्यू मंथ्स व्हेन द इकोनॉमी प्लमेट्स इनटू एन ऑल आउट रिसेशन इफ नॉट डिप्रेशन। सो द पिक्चर वाज वेरी नेगेटिव उस टाइम जो चार्ट थे दे वर टेलिंग अस कि वी वर स्टैंडिंग समवॉट अराउंड हियर दिस इज द S&P 500 फ्यूचर्स चार्ट और उसमें हमारे पास यहाँ पर मौजूद थे तब हम when I published this article and after that we have crashed pretty much down somewhat around you can say 20% 18-20% तो अभी हमारे पास market जो है वो S&P 500 it's not done yet क्यों नहीं yet क्योंकि हमारे पास basically जो आप कह लीजिए कि जो Federal Reserve है they are उसमें जो previously अगर आपने किसी ने term सुनी हो quantitative easing और वो ईजनिंग जो थी वो बेसिकली मनी प्रिंटिंग थी दे वर प्रिंटिंग मनी एंड बाइंग अप द मार्केट सो दैट इट डजंट क्रैश बैक इन द कोविड डेज उसी के साथ अब वही प्रोसेस रिवर्स कर दिया गया है दे आर सेलिंग दे आर द बिगेस्ट सेलर्स राइट नाउ इन द मार्केट उसको अब जो न्यू टर्म है उसको आप देख लीजिए कि वो है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग तो अब वो पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं विच इज़ समवेयर अराउंड आई थिंक $1 million और आई थिंक मेरे से फिगर मिस हो गया
खैर द पॉइंट इज़ कि वो डेली बेसिस पे सेल ऑफ कर रहे हैं मार्केट में, ताकि जो मार्केट है उसमें से अपना पैसा जो उन्होंने लगाया था वो वापस रोल बैक किया जाए, और उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ाए जाएँ। इंटरेस्ट रेट्स एज यू नो कि जब मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ते हैं तो मार्केट्स नीचे की तरफ आती हैं, जिसकी वजह से बेसिकली दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन जो कि इस टाइम 40 ईयर्स हाई पॉइंट पे खड़ी है 8.6%। तो दे वांट दैट नंबर टू कम डाउन, और जब तक वो कंजेकटिव एक या दो महीने नीचे नहीं आएगा तब तक जो है वी वॉन्ट बी एबल टू सी एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम इन द ग्लोबल मार्केट्स, और उसका जो इफेक्ट है वो ऑफकोर्स हमारी जैसे मार्केट्स में भी आता है। सो अनटिल एंड अनलेस वी हैव लाइक वन और टू कंजेकटिव नंबर्स, हर महीने जो है क्वार्टर में दो मीटिंग्स होती हैं FOMC की, आज भी एक मीटिंग है FOMC की वेयर दे आर गोइंग टू डिसाइड कि आइदर उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक करनी है या 75। एंड मार्केट और ये याद रखिएगा कि मार्केट जो भी होता है उसको फॉरवर्ड एंटिसिपेट करती है, उसको वो पहले से प्राइस इन करती है। सो जो होना होता है या जिसके भी खदशात हों बढ़ने के हों या घटने के हों वो बाद में आते हैं और मार्केट अपने आप को पहले प्राइस इन कर लेती है। सो हैविंग सेड दैट, जब तक कंजेकटिव दो जो है CPI नंबर्स इन्फ्लेशन के जो आएंगे जब तक नीचे की तरफ नहीं आते 8.6 से, तब तक फेडरल रिजर्व जो है वो अपनी हॉकिश रखेगा अपने आप को ऑन इंटरेस्ट रेट्स, और उसको वो बढ़ाते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस के वो इन्फ्लेशन को नीचे आता देख लें। और ये मामला कब तक चलेगा ऑफ कोर्स ओनली टाइम कैन टेल, कि जो आने वाले एक दो माह हैं उनके अंदर इस तरह पॉसिबिलिटी है या नहीं, या इट्स गोइंग टू टेक मोर देन दैट। सो हैविंग सेड दैट, उसमें आपके पास जो आपके जो डाटा है जिसमें आपके पास 10-year बॉन्ड्स और इसके अलावा आपके पास जो आप कह लें कि नेगेटिव कोरिलेटेड एसेट्स हैं जिस तरह US डॉलर है, आपका ऑयल और गोल्ड है, दे वो खैर उस तरह से तो एक्ट नहीं करते, बट स्टिल दे शो पॉजिटिव साइंस व्हेनेवर देयर आर साइंस ऑफ रिसेशन और अ मार्केट क्रैश। तो उसके अंदर जो आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट होते हैं उसमें आपके पास एक तो रेट हाइक्स, फिर उसके बाद S&P 500 के अंदर जो आपके पास CPI नंबर्स हैं वो नीचे आने चाहिए, जिसमें आपके पास मैंने इस तरह प्रीवियसली बताया कि जो कंज्यूमर इंडेक्स है इन्फ्लेशन का, दैट इज़ गोइंग टू बी द मेन फोकस फॉर नाउ फॉर ऑल द मार्केट्स, क्योंकि अगर वो नीचे आता है दैट इज़ गोइंग टू बी बुलिश फॉर द मार्केट्स, अगर वो ऊपर रहता है और फेडरल रिजर्व रेट हाइक्स करता चला जाता है तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन अ गुड मैनर। और एक महीना पहले लास्ट मंथ में जो FOMC की मीटिंग हुई थी उसमें चेयरमैन जो पावल है फेडरल रिजर्व के, ही ऑल्सो सेड के हमारे पास जो आप कह लीजिए कि जो मेन चीज़ है हमारा गोल जो है वो इन्फ्लेशन को इस टाइम कवर अप करना है, और इस टाइम जो है वो मार्केट्स आर सेकेंडरी थिंग, और उसमें उन्होंने ये भी इम्प्लाई किया था कि हमारे पास जो क्रैश है वो एक्सपेक्टेड है लेकिन वी आर ट्राइंग फॉर अ सॉफ्ट लैंडिंग, ही यूज दिस टर्म एज सॉफ्ट लैंडिंग। एंड राइट नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो मार्केट है वो इस टाइम ब्लीड कर रही है नीचे की तरफ, इट्स नॉट अ वेरी रैंडम क्रैश जिसमें आप कह लीजिए कि कुछ मार्केट फ्लोर नहीं हो रही डेली, लेकिन इट्स अ स्लो ब्लीड टू द डाउन साइड, एक ग्राइंड है एक मुसलसल नीचे की तरफ। सो उसकी जो मेन रीज़न है वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है, जब तक उसके ऊपर फेडरल रिजर्व जो है वो अपना हाथ हल्का नहीं करते तब तक मार्केट जो है वो इसी ट्रेंड के अंदर रहेंगी अनटिल एंड अनलेस दे सी, और वो तब तक नहीं करेंगे जब तक कि CPI नंबर्स इम्प्रूव नहीं करते। सो करंटली दे आर 8.6 जो CPI नंबर है, अगर वो 8.6 से नीचे आना शुरू होता है तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ हेल्पफुल थिंग फॉर फेड टू स्टॉप दिस क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, और मार्केट्स जो है उसके ऊपर दोबारा किसी तरह अपना मोमेंटम ऊपर की तरफ गेन कर सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।